तो लास्ट लेक्चर में पहली चीज ये की थी कि अगर आपके पास कोई पाइप है और इस पाइप में डिफरेंट एरिया, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ए वन है और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू है, लिक्विड एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन, लिक्विड बाहर निकल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू, तो वॉल्यूम जो एंटर करेगा पर सेकेंड, वॉल्यूम जो बाहर निकलेगा पर सेकेंड, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी। वॉल्यूम एंटर करेगा पर सेकेंड की वैल्यू क्या होगी, ए वन वी वन, और यहां पर क्या होगी, ए टू वी टू। ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन वन और टू पॉइंट पर पी वन डिवाइडेड बाई रो प्लस जी एच वन प्लस वी वन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगी, P2 डिवाइडेड बाय रो प्लस G इनटू H2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये कौन सी इक्वेशन है, बर्नौलीज थ्योरम है। तो या तो इस टाइप की प्रॉब्लम में इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगेगी या बर्नौलीज थ्योरम लगेगी। तो ट्राई करते हैं, लास्ट टाइम शीट नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 1-2 हमने कर लिया था, हमने 3 से स्टार्ट करना है जिसमें इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी या बर्नौलीज लगेगी। क्वेश्चन पढ़ें एक बार प्लीज। तो क्वेश्चन है, इन अ नॉर्मल एडल्ट द एवरेज स्पीड ऑफ द ब्लड थ्रू द एर्टा विच हैज अ रेडियस ऑफ 0.9 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये बायो स्टूडेंट्स को पता है कि क्या होती है, ये एक बड़ी आर्टरी है, बड़ी आर्टरी से बॉडी के अंदर छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं। तो जो बड़ी आर्टरी है इसका जो रेडियस है आर वन, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.9 सेंटीमीटर गिवन है। तो बड़ी आर्टरी है, इसके आगे वो कह रहे हैं कि जो एंटर करने की ब्लड की वेलोसिटी है वो कितनी है, 0.33 मीटर पर सेकेंड है। तो लिक्विड एंटर कर रहा है विद वी वन वेलोसिटी, क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि फ्रॉम दिस आर्टा द ब्लड गोज इनटू द मेजर आर्टरीज विच आर 30 इन नंबर। वो कह रहे हैं कि यहां से छोटी छोटी आर्टरीज कनेक्टेड है, पहली ऐसी, दूसरी ऐसी, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन, 30 आर्टरीज हैं। तो जो ब्लड मेन आर्टरी से आ रहा है वो 3 छोटी आर्टरीज में ट्रेवल कर रहा है। अब एक बात तो पक्की है, जो ब्लड पर सेकेंड बड़ी आर्टरी में आ रहा है वो 30 आर्टरीज के अंदर भी पर सेकेंड सेम जाएगा, है ना, वॉल्यूम कम तो हो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो एंटर कर रहा है पर सेकेंड बड़ी आर्टरी में और जो बाहर निकल रहा है पर सेकेंड वो एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो आपको इसमें एरिया पता है, रेडियस पता है, तो यहां से एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे, पाई आर वन स्क्वायर। तो ए वन इज इक्वल टू पाई आर वन की जगह क्या पुट करेंगे, 0.9 स्क्वायर। तो ये एरिया किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यहां पर जो 30 नंबर है इसका जो रेडियस है, छोटी आर्टरी का रेडियस कितना गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर। तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी, पाई इंटू आर टू का स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है इस आर्टरी में वेलोसिटी वी टू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो जब क्वेश्चन प्रेशर और वेलोसिटी में चलता है तो बर्नौलीज थ्योरम लगती है, जब क्वेश्चन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी में चलता है तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी चलती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, ए वन इंटू वी वन इज इक्वल टू एरिया छोटी आर्टरी का ए टू है और वेलोसिटी मान लो कितनी है, वी टू। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़ी आर्टरी का जो ब्लड है वो 30 छोटी आर्टरी में जा रहा है। अब ये जो ए टू है किसका एरिया है, एक छोटी आर्टरी का एरिया है, और हमारा ब्लड कहां जा रहा है, 30 आर्टरीज में जा रहा है। तो इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30। तो वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड और वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू सेम तभी रहेगी जब मेन आर्टरी का ब्लड पर सेकेंड 30 आर्टरीज में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये स्टेप क्लियर है। आपको इस क्वेश्चन में एरिया पता है, पाई इंटू 0.9 का स्क्वायर, और यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या है, 0.33। 30 इंटू कितना, पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी वी टू। अब ये यूनिट्स मैंने चेंज नहीं किए क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। सॉल्व करके वी टू निकाल लें, चेक करें क्या वी टू का आंसर ये आ रहा है।
पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई करके वी टू कैन बी कैलकुलेटेड। चेक करें, कितनों का आ रहा है, कर लिया ट्राई? ठीक है, कितनों का आ रहा है आंसर? ये आ रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है कि कैसे किया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर देखें प्लीज। क्या निकालना है आपको? वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन हॉरिजॉन्टल पाइप गिवन है। तो वी की वैल्यू कितनी गिवन है? 4.9 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या निकालना है? वेलोसिटी हेड। देखो जो वेलोसिटी हेड है, अगर आप बर्नौलीज थ्योरम चेक करें, एंड में प्रूफ के नीचे मैंने वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला लिखवाया था, बोलो क्या था? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2j। वेलोसिटी हेड में वेलोसिटी की वैल्यू मुझे पता है कितनी? 4.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 9.8। कोई बताएगा वेलोसिटी हेड के यूनिट्स क्या होते थे? मीटर या डिस्टेंस के यूनिट्स हैं। वेलोसिटी हेड सुनने में वेलोसिटी है, पर v स्क्वायर बाय 2g, अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला से भी चेक करें v स्क्वायर और g को, तो मीटर्स या सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो आंसर किस में आएगा? मीटर्स में आएगा। क्लियर है यहां तक? सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हमने किया था, मिलता जुलता, एक बार ट्राई करना। एक पाइप है और जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, तो पानी फ्लो कर रहा है, और वन एंड क्लोज्ड विद अ वेल्व एंड रीडिंग ऑफ प्रेशर गॉज अटैच्ड टू द पाइप इज गिवन। तो पहले प्रेशर कितना है? 3×10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब ये वेल्व क्लोज्ड है और पानी फ्लो नहीं कर रहा, पानी फ्लो नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर क्या है? जीरो। आपने उस वेल्व को खोल दिया तो प्रेशर गिर गया। प्रेशर की वैल्यू P2 कितनी हो गई? प्रेशर की वैल्यू होगी 1×10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी बताओ क्या होगी, स्पीड क्या होगी जब प्रेशर गिर गया। तो एक वेल्व ने, मान लो किसी पाइप को ऐसे, मान लो ये वेल्व है, तो ऐसे पानी को रोक के रखा हो, मेरे हाथ पे प्रेशर लग रहा है, तो जब मैं इसको खोल दूंगा तो पानी बहना स्टार्ट कर देगा, प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा मेरे हाथ का या वेल्व का। तो प्रेशर कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गई। तो ऐसे केस में क्या लगेगी? हॉरिजॉन्टल बर्नौलीज थ्योरम। क्योंकि एरिया वेलोसिटी का क्वेश्चन होता है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्रेशर वेलोसिटी का है। तो दो एंड पे फॉर्मूला लगाएं, P1/ρ + gh1 + V1² / P2 = P2/ρ + gh2 + V2² / 2। तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को हम कंसिडर नहीं करते, पोटेंशियल के चेंज को कंसिडर नहीं करते, तो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहां से P1 की वैल्यू कितनी है? 3×10^5, क्योंकि लिक्विड है, वाटर है, तो डेंसिटी क्या होगी? 1000 प्लस इसकी वेलोसिटी जीरो है। P2 की वैल्यू 1×10^5 डिवाइडेड बाय 1000 है, प्लस V2² / 2। तो यहां से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V2 की वैल्यू आएगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? चेक करें जरा क्या आंसर आ रहा है।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, वेलोसिटी और प्रेशर का रिलेशन होगा, तो बर्नौली सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट नेक्स्ट तो मिलता जुलता क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें क्या करना है, वॉटर एंटर्स एट वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ गिवन। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.4 मीटर्स पर सेकेंड, एंड लीव द अनदर एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ V2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.6 मीटर्स पर सेकेंड। प्रेशर एक एंड पे P1 पे 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो आपको क्या निकालना है, प्रेशर दूसरे एंड पे निकालना है क्या होगा, और डेंसिटी आपको रो गिवन है। तो प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन है फिर से एक बार बर्नौली, P1 बाय रो प्लस G इनटू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस G इनटू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। पोटेंशियल को हम कंसिडर करते ही नहीं है, तो आपको इस केस में V1, P1, V2 गिवन है, क्या निकालना है P2, तो प्लीज वैल्यूज पुट करके P2 कैन बी कैलकुलेटेड, चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैल्यूज चेक करो, हो जाएगा सॉल्व, कितनों का आ गया 1400। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इजी सेम है, जिसके अंदर वाटर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ V1 गिवन है एंड डिक्रीजिंग फ्रॉम टू एरिया A1 A2 गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है। व्हाट इज द प्रेशर इन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, क्या करेंगे इसमें, अच्छा लगा के देखें एक बार, ये डायरेक्ट इतनी जल्दी होगा भी नहीं, दो ही क्वेश्चन लगेंगे शायद इसमें। तो इसमें वाटर एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो चलो ठीक है, तो एरिंग क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, तो स्पीड वाटर की कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और जिसमें एरिया A1 की वैल्यू गिवन है 2×10^-2 m², और एरिया A2 कितना है, 0.01 m². तो वाटर इज फ्लोइंग क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजिंग फ्रॉम 2 to 2 गिवन एट अ प्रेशर 4×10^4 pascal। वॉट इज प्रेशर एट द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, यानी कि अपने को क्या निकालना है, P2 निकालना है, अपने को क्या गिवन है, P1 गिवन है, P1 कितना है, 4×10^4 pascal। P2 पूछ रहे तो P1 ही गिवन होगा ना, एक प्रेशर दे रहा है एक निकालना है, तो इसमें क्या लगेगी, बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज के अकॉर्डिंगली V1 पता है लेकिन V2 तो पता नहीं है, तो बर्नौलीज के अकॉर्डिंगली P1 बाय रो प्लस G×H1 प्लस V1 square by 2 is P2 by rho plus G×H2 plus V2 square divided by 2। potential को तो लेना ही नहीं है। अब इस question में मुझे क्या क्या given है, P1 पता है,
वाटर है तो पानी की डेंसिटी स्टैंडर्ड एसआई में 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, तो ये भी पता है आपको। V1 की वैल्यू ये भी पता है आपको, P2 निकालना है सही है, डेंसिटी पता है आपको, क्या नहीं पता V2 नहीं पता। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको V2 बता दूं तो वहां से P2 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगा लेते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एक काम करते हैं, एरियाज गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, यहां से क्या आ जाएगा V2, V2 को यहां पुट करके आएगा P2। कैलकुलेट करना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करें। तो पहली इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगेगी और दूसरी बर्नौली थ्योरम लगेगी, तो ट्राई करें। ये जो क्वेश्चन है इसके बाद के क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि आगे की थ्योरी हमने की नहीं, हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी, उसके बाद ये हो पाएंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, अभी शुरू करते हैं।